व्यवस्थापक जी। तो मेरा नाम है रविवर प्रसाद, फ्रॉम विशाखापट्टनम का रहने वाला हूँ। मैं इस बिजनेस में प्रेजेंट, हमारा ग्रेट मेंटर्स का आशीर्वाद और कंपनी का आशीर्वाद से आज मेरे को लीडर हूँ। तो इस बिजनेस से पहले मैं इंडियन आर्मी में जॉब कर रहा था। जॉब करते पढ़ाई लिखाई किया, डिग्री किया, एमए किया, एमए इकोनॉमिक्स किया, बीएड किया, बीबीएड किया, ये सारा आर्मी में ये रहते हुए किया था। और इस बिजनेस में तो ज्वाइनिंग किया, ज्वाइन करने के बाद बहुत अच्छा मौका मिला है। लेकिन इस बिजनेस से पहले हमारा हालत इस प्रकार से था, हमारा इस बिजनेस से पहले मैं खेती बड़े वगैरह करता था और उसके बाद आर्मी में चले गए। तो आर्मी में चलने जाने के बाद बहुत बढ़िया चल रहा था अपना लाइफ स्टाइल वगैरह, लेकिन उसके बाद अचानक ये बिजनेस का मौका मिला। बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद एक चीज मेरे को समझ में आया, हमारा ग्रेट मेंटर विकास महागुरु जी ने क्लियर कट बताया, जिस आदमी प्रमोशन करना आता है, अपलाइन का और सिस्टम को एडिफिकेशन करना आता है, वो बंदा आराम से इस बिजनेस से बहुत बड़ा मुकाम पर पहुंच सकते हैं। बोला तो फौजी दिमाग था, लेकिन फिर भी जो बोला है उसी के ऊपर काम करना शुरू किया। आज आपसे जो भी बोलने वाला है ये सारा चीज प्रैक्टिकल है, क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद हर चीज को सीख के, हमारा ग्रेट मेंटर्स का सीख के, एक्सपेशली हमारा ग्रेट मेंटर है विकास महागुरु जी, तो इस चीज के बारे में महातर आ सकी है मार्तन, क्यों इसमें बहुत कुछ चीज, तो एक एक चीज सिखाया, वो सिखाने वाला चीज को आज प्रैक्टिकली आपसे बताने वाला, आपसे बातचीत करने वाला है। तो आज का टॉपिक है बेनिफिट ऑफ प्रमोशन और एडुफिकेशन। इतना शानदार है क्योंकि दुनिया भर इसी में चलता है, सिर्फ अकेला आदमी कोई भी शादी करना है, किसी भी चीज करना है, उस सब उसके बारे में प्रमोशन करना पड़ता है, तभी उसको उसका वैल्यू समझ में आता है। अगर किसी को चीज के बारे में कितना भी अच्छा है, कोहनीर भी वज्र हो सकता है, उसका बारे में एडुफिकेशन करना पड़ेगा, इससे क्या क्या फायदा होता है, इससे क्या कैसे रहता है, उसको बारे में भी कोई ना कोई एडुफिकेशन करना पड़ेगा और उसका बारे में प्रमोशन करना पड़ेगा, उसको वैल्यू करने के लिए। आज इस बेनिफिट ऑफ प्रमोशन इस सिस्टम में आने के बाद क्या क्या प्रमोशन करना पड़ता है, बाहर की दुनिया में क्या करते हैं वो देखेंगे आप। तो प्रमोशन आपको सोशल मीडिया, पता नहीं आजकल अलग अलग तरीके हैं प्रमोशन करने का, एक समय पर ऐसा नहीं रहता था, लेकिन आज जिसने प्रमोशन करना सीख लिया वो बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। सबसे पहले आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सारा चीज हम कर रहे हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अगर आप जितना भी प्रोडक्ट है उसका बारे में आपको प्रोडक्ट बाहर की दुनिया में देखो, उसको अलग अलग लोग आता है एडवर्टाइज करता है, कोई सीनियर एक्टर से, कोई प्लेयर से, अलग अलग तरीके से वो एड्स करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, और सर्विसेज के बारे में भी, अपना सर्विसेज के बारे में, बैंक्स का और कोई भी फोन पे ये वो जितना भी है एक एक सर्विस देता है, स्विगी हो गया, इस ऐसे बहुत कुछ चीजें आप देख सकते हैं, हर दिन आपको उसका फायदा उठा रहा है, उस सर्विस का बारे में भी वो आज प्रमोशन करते हैं। ये सारा करने के बाद क्या होता है, एक ही चीज निकल के आता है, वो सेल्स आता है, हाई सेल्स। आपके पास अच्छा फैक्ट्री लगा सकते हैं, सब कुछ लगा सकते हैं, लेकिन जब तक आप प्रमोशन नहीं कर पाएंगे वो सेल्स नहीं कर पाएंगे। तो प्रमोशन जितना ज्यादा करेंगे वो हाई सेल्स होगा। सेल्स करने के लिए लोग क्या क्या निकलता है आप सेल्स करने के लिए आप देख सकते हैं। सेल्स करने के लिए आपको कभी कभी डिस्काउंट देता है, कभी फ्री करता है, कभी कभी आपको स्पेशल डिस्काउंट कूपन देता है, गिफ्ट देता है, वाउचर्स देता है, आपको बड़ा बड़ा कॉन्टेस्ट देता है। ये सारा चीज किस लिए, सेल्स करने के लिए। ये सारा चीज आपको एक एक छोटा छोटा ऑफर भी रख के हमारे लिए उसको अट्रैक्ट करता है, और उसके बाद उसको हम खरीदते हैं, हमको यूज करता है, उसको फायदा उठाते हैं। कोई भी फिजिकली है, कोई सर्विस के रूप में है, ये दोनों तरफ से आप प्रमोशन करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये प्रमोशन सपोर्ट टू क्रिएट मोर कस्टमर्स, तो आपको मोर कस्टमर क्रिएट करेंगे, जितना ज्यादा प्रमोशन करेंगे आपको मोर कस्टमर, बिग प्रमोशन। आप देखो कभी बड़ा बड़ा होस्ट लगाता है, बड़ा बड़े टीवी में चैनल पे आते हैं, उसके क्या नतीजा है, नतीजा ये कि निकल के आते हैं मोर कस्टमर को क्रिएट करते हैं, जिसका बाद जितना कस्टमर रहेगा वो उतना बड़ा आदमी। एक एग्जाम्पल के लिए, कोई कंपनी एक प्रोडक्ट को अच्छा से सक्सेस किया, उसकी वजह से अलग अलग राज्यों में उतरता है प्रोडक्ट, कंप्लीट अलग अलग प्रोडक्ट्स में लेके आते हैं, उसके बाद फिर कस्टमर को बनाते हैं। एक बार कस्टमर को बनाया तो उसको कुछ भी बेच सकता है, उसको सुबह से लेकर शाम तक यूज करने वाला हर चीज को
वो भेज सकता है, लेकिन कस्टमर को बनाने के लिए आपको बड़ा प्रमोशन का बहुत जरूरी है। देखते हैं प्रमोशन मेथड, ट्रेडिशनल और सेल्फ शॉप। ट्रेडिशनल में क्या होता है, प्रमोशन करने के लिए क्या क्या लगाना पड़ता है, और सेल्फ शॉप में प्रमोशन कैसे करना है। क्योंकि हम सोचते हैं यहां पर आके किसी को बोलते हैं बाबू प्रमोशन करो, बोलने से सर वो करता नहीं, लेकिन प्रमोशन के अंदर रहता है। किसी स्कूल का प्रमोशन करता है, कॉलेज का प्रमोशन करता है, कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन करता है, लेकिन सेल्फ शॉप में आने के बाद खुद का प्रोडक्ट का और सबका बारे में प्रमोशन करना नहीं आता। इस वास्ते इसमें कोई पैसे ले रहे हैं, कुछ नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको प्रमोशन करने के लिए टाइम लगाना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कोई भी एक्टर लेके आके किसी को लेके आने के बाद बहुत बड़ा प्रमोशन करने के लिए उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, 100% रिस्क भी है। क्योंकि वो अगर किसी चीज का बारे में प्रमोशन करना सही ढंग का नहीं हुआ तो उसमें आपको रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, उसका बाद रिटर्न आता है ट्रेडिशनल बिजनेस में। हमारा सेल्फ शॉप में क्या हुआ, सेल्फ शॉप में सिंपल तरीके है, आपको यहाँ पर टाइम लगाना पड़ेगा, और जो भी प्रमोशन करते हैं एक्साइटमेंट के साथ आपको प्लान प्रमोशन करता है, और कोई भी प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन करते हैं एक्साइटमेंट के साथ, कोई रिस्क है नहीं। कोई दुकान नहीं लगाया, कोई फैक्ट्री नहीं लगाया, कोई स्टोर नहीं लगाया, कहीं आपको लाखों रुपए का स्टॉक नहीं लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट है, आप जो यूज कर रहे हैं, यूज करने का जो फायदा मिला है उस फायदा को पूरा प्रमोशन करना चाहिए। आज एक नोड़ी है, इसको अगर हम यूज किया, इसको यूज करने के बाद इसको प्रमोशन करना आना चाहिए आपको। हर प्रोडक्ट है, कोई मैं क्रीम लगा के बैठा है, अगर क्रीम है उस क्रीम का मैं यूज किया, उसको प्रमोशन करना आना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट्स अगर आपको प्रमोशन करता है उसको एक्सेप्टमेंट के साथ, अब इसमें कोई रिस्क नहीं है। आज हमारा ग्रेट मेंटर 100% मिलियन डॉलर रिटर्न्स है। जिसने आप प्रमोशन करना सीख लिया तो बहुत बड़ा रिटर्न्स ले सकता है। तो इसमें देखते हैं टाइप ऑफ प्रमोशंस। प्रमोशन भी टू टाइप का रहता है। सबसे पहले प्रमोशन है फिजिकल प्रमोशन। फिजिकली जाके अपना कंपनी के बारे में या अपना बड़ा बड़ा सेमिनार्स वगैरह, बड़ा बड़ा मीटिंग्स वगैरह करके हम प्रमोशन करते हैं। तो हमारा कंपनी के देखते हैं, बाहर कंपनी का आपको पता है पूरा, आपको देख रहे हैं जितना भी होस्ट लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में सारा लगाते हैं। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद हमको प्रमोशन कैसे करना है, इसका फन बेनिफिट क्या है, वो सारा चीज देखेंगे। फिजिकल प्रमोशन भी करते हैं, फिजिकल हम बड़ा बड़ा सेमिनार्स मीटिंग्स ये सारा करते हैं, उसके लिए फिजिकल प्रमोशन है। और दूसरा डिजिटल प्रमोशन। अभी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो बढ़िया, डिजिटल में हमको मेरा को हमारा महागुरु जी ने बुलाया तो ये सारा चीज तो महागुरु जी ने बताया, हमारा बराबर ने प्रमोट किया। तो उसका बाद फिर आपको डिजिटल में जितना आदमी वहां पर बैठ बैठ के आज इस यूट्यूब लाइव में देख रहे हैं, कंपनी का प्रोडक्ट्स है, यूट्यूब चैनल्स है, तो डिजिटल भी आप आजकल जिसने 2 साल से कोरोना आने के बाद डिजिटल प्रमोशन सबसे ज्यादा बढ़ा है। देख सकते फिजिकल प्रमोशन नेशनल वाइज सेल्फ शॉप कंपनी सक्सेस ट्रैक रिकॉर्ड है। आज हमारा पास इतना बड़ा सक्सेस है, हम इस बिजनेस में आने के बाद भी हमारा सक्सेस को एक एक चीज को दिखा के प्रमोशन नहीं कर पाते। अगर कर दिया कितना बड़ा फायदा रहेगा, सौभाग्य कितना बड़ा इवेंट है, इसको कभी आपको दिखा नहीं दे, अगर दिखा दी तो जितना बड़ा इवेंट है इसको प्रमोशन कर सकते हैं आपको। इसको बाद इतना बड़ा बड़ा मेंटर्स वगैरह, हमारा ग्रेट मेंटर्स वगैरह जितना बड़ा 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 मीटिंग्स करते हैं उसको आपको सक्सेस ट्रैक रिकॉर्ड है सारा, इसको पूरा प्रमोशन कर सकते हैं आपको। हमारा कंपनी कर रहा है, इसी से आपको सेल्स बढ़ता है, क्योंकि इकट्ठा पता चलता है कौन कौन क्या है, कितना कंपनी का ताकत है, कितना धम है, सारा चीज आपको पता चल। फिजिकल प्रमोशन है, हमारा पास बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स है, तो श्री सिद्धार्थ का प्रोडक्ट्स है, ये सारा लॉन्च कर रहा है। 18 लैंग्वेज में हमारा भगवत गीता है, ये सारा को प्रमोट कर सकते हैं आपको। फिजिकल प्रमोशन ये सारा चीज आपको लेके जाके उसको प्रमोशन कर सकते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड है सारा चीज आपको, आज नया नया प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये सारा को आपको फिजिकली लेके जाके प्रमोट कर सकते हैं, और आपको डिजिटल भी प्रमोट कर सकते हैं। तो आपका हमारे पास क्या क्या कैटेगरी नहीं है, क्योंकि लोगों को सुबह से लेकर गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हर टाइप का प्रोडक्ट्स है, वो सारा प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि उसको कैसे यूज करना है, वो कैसे चीज करना है, वो सारा प्रोडक्ट्स के बारे में बिल्कुल हमारे पास फैशन वेयर है, किचन वेयर है, वेलनेस है, पर्सनल केयर है, हेल्थ केयर है, होम केयर है, ग्रोसरी है, स्पिरिचुअल है, एजुकेशन है, इसका बीच में तो सुबह से लेकर शाम तक हर आदमी यूज करता ही करता है।
इसको हम फिजिकली भी प्रमोशन कर सकते हैं, इसका फायदा बता सकते हैं, इसको हम यूज कर रहे हैं। हम यूज करने के बाद जैसे मैं कोट यूज कर रहा हूँ, टाई यूज कर रहा हूँ, ये सारा के बारे में आप यूज कर सकते हैं, वॉच यूज कर रहा हूँ, ये सारे के बारे में फिजिकली भी आप जब भी बाहर जाता है, लोगों का पास मिलता है, आपका पास जितना भी प्रोडक्ट है, हमारा सेफ शॉप का बैग है, मैं सेफ शॉप का बैग मैं यूज कर रहा हूँ, इसको प्रमोट कर सकता है। ये फिजिकली प्रमोशन है, आपको देख के ही लोग ये कहां से लेके आए, वो भी बड़ा प्रमोशन होता है। आप देख सकते हैं बेबी कॉन्सेप्ट का डिफरेंट डिफरेंट, हमारा कंपनी डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स दिया, कभी लैपटॉप प्राइस दिया, इसी प्रकार से लैपटॉप से आपके लिए प्राइस गिफ्ट में दिया, ये सारा आपको प्रमोशन है। तो आजकल कंपनी आइडेंटिटी कार्ड दे रहे हैं, आपको आइडेंटिटी कार्ड से भी प्रमोशन करते हैं। और कंपनी का आज क्या सर्विस है, तो व्हाट्सएप में भी आप चैट कर सकते हैं, मिसेस काव्या भी है, ये काव्या भी आपको डिजिटली बहुत कुछ हेल्प करेंगे। आप कंपनी का जितना बड़ा बड़ा इवेंट्स चल रहे हैं, कंपनी का बड़ा वेयरहाउस है, कंपनी का बारे में वो सारा का बारे में आपको प्रमोशन कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपका आपका बारे में क्या है, कंपनी का बारे में क्या है, हमारा मेंटर्स का बारे में क्या है, उसके पास क्या क्या चीज है, उसको जब तक आप प्रमोशन नहीं कर पाएंगे, जब तक आपको बड़ा बिजनेस करने के लिए मौका नहीं मिलेगा, आपको सेल्स ना बढ़ पाएंगे। कंपनी के पास बहुत है, कंपनी के पास बहुत बड़ा सक्सेस ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ट्रैक रिकॉर्ड को आपको प्रमोशन करना पड़ेगा। सिस्टम का बारे आज ग्रेट सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का बारे में सक्सेस सिस्टम का पास है, आप देख सकते हैं बहुत मतलब बड़ा सक्सेस है। एक एक आदमी का बारे में हर दिन यूट्यूब चैनल में आते हैं, अपना टेस्टिमनी बताते, वो आपको प्रमोशन करना होना चाहिए। कुछ आदमी रहते हैं प्रमोशन ही करता नहीं, तो प्रमोशन करने से उसका अगला वादा भी पता चलेगा। आज किसी का एक कर देखो, कोई आर्मी वाला है, कोई नेवी वाला है, कोई एयरफोर्स वाला है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, उसको इस चैनल पे आपको बढ़िया तरीके से प्रमोशन करने के लिए मौका है, उसको टेस्टिमनी दिखा के। क्योंकि आपका आपका हम दिखाने से नहीं हो सकता, लेकिन उसको प्रमोशन करके हम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। आज सेफ शॉप ऑलवेज वर्क टूगेदर टू मेक बेस्ट विजन टू नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन के बारे में आज बड़ा इंडिया विजन फाउंडेशन के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। कितना मतलब ऐसे लोग कभी सोच भी नहीं पाते, हमारा कंपनी का जितना बड़ा प्रमोशन है, कितना बड़ा बड़ा आदमी से मिलना, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि ये भी एक बढ़िया प्रमोशन भी है और एक एटीट्यूड भी है हमारा कंपनी का। ये सारा चीज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब तक आप हर चीज का बारे में आपको खुद प्रमोशन करना नहीं आएगा, तो बड़ा काम बड़ा सेल्स नहीं ले पाएंगे। तो आप देखते हैं आज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, आज सिस्टम का एक्टिविटीज को, कंपनी का तो एक्टिविटीज देख लिया आप, कंपनी का इतना बड़ा एक्टिविटीज है, आज सिस्टम का एक्टिविटीज ग्रेट सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है। आज एक एक इवेंट को बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है, प्लान से लेकर फॉलोअप से लेकर आप एक एक इवेंट को देख सकते हैं, ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग, ये सारा छोटे छोटे मीटिंग से ये पूरा ये सारा का बारे में एक बढ़िया तरीके से प्रमोशन किया है। कुछ बंदा इस बिजनेस में आता है, आने के बाद वो अपना प्रमोशन करना ही पड़ता है, सिस्टम का हर एक्टिविटी को प्रमोट करना पड़ेगा, हर एक्टिविटी आपको सेल्स बढ़ाएगा, टीम बढ़ाएगा, सब कुछ कराएगा। तो सिस्टम एक फ्रेशर से लेकर यूनिवर्सल प्रोनाउंस बनने तक हर एक्टिविटी को अपना लेवल पर एक्टिविटी करने के दिया गया है। तो तब ये सिस्टम का सारा एक्टिविटीज हम खुद करते रहेंगे और उसको जितना ज्यादा प्रमोशन करेंगे, अकेला करने से छोटा चेक मिलेगा, छोटा मिलेगा, लेकिन सिस्टम का साथ जब करेंगे तो, और सिस्टम को जितना भी एक्टिविटीज करेंगे उसका पूरा भरपूर फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि सिस्टम का एक्टिविटीज और सारा चीजें आप देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको सिस्टम का एक्टिविटीज टीम में और टीम को मल्टीप्लिकेशन करने में अब लगाएंगे नहीं, तब तक बड़ा रिजल्ट नहीं निकल पाएंगे। आज हमारा ग्रेट सिस्टम तो 22 साल का एक्सपीरियंस है हमारा ग्रेट मेंटर्स के पास, हर चीज बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इसमें कोई किताब वाला बात नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल करने के बाद इस चीज करने से इसका फायदा मिलेगा, तो बता रहे उसको हम भी प्रमोशन करना पड़ेगा।
जब प्रमोशन करेंगे उसका पूरा भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो प्रमोशन करने से क्या बेनिफिट है, देखो आप देख सकते हैं, टूल्स है, एक एक चीज है, आपको खुद नहीं जा सकते लेकिन टूल्स हर जगह पर जाएंगे, खुद हर जगह पर जाके प्लान बता नहीं सकते, क्योंकि आज टूल से एक जैसे काम करेंगे। अगर कोई अगर अपना बता अपना इंडिविजुअल बताने से अपना तरीके से बताएंगे, लेकिन आज टूल्स का जितना भी टूल्स का प्रमोशन करना आ गया तो आप देख सकते हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस होता था, मैं विशाखापट्टनम में रहता था, हमारा ग्रेट मेंटर विकास मगुरु जी दिल्ली में रहते थे, लेकिन वहां से हर चीज को टूल्स के द्वारा अपना ग्रेट मेंटर्स का सक्सेस का ऑडियोस वीडियोस उसको बेस बेस के मुझे बनाया, गुरु जी ने मुझे बनाया। तो इस टूल्स को जितना भी प्रमोशन आज सक्सेस फॉरएवर का पास आपको पूरा हर चीज का टूल है, तो आपको शुभारंभ में एक शुभारंभ काफी है, एक आदमी को मिनिमम 150 का टीम बनाए, इसका अंदर इतना चीज है, कुछ आदमी अभी तक पढ़ाया भी नहीं होगा उसका, तो इसमें सारा टूल्स है आपका सिस्टम का। अगर इस टूल्स को भी हम प्रमोशन करना चाहिए, इससे आपको सेल्स बढ़ेंगे, आपको रिकॉग्निशन बढ़ेंगे, सारा चीज बढ़ेंगे। तो देखते हैं बेनिफिट ऑफ प्रमोशन। तो प्रमोशन आजकल सभी कर रहे हैं, लेकिन ये प्रमोशन का बेनिफिट क्या है, क्यों करना चाहिए? तो सबसे पहले सिंपल लॉजिक है, इसके अंदर आपको रिकॉग्निशन बढ़ेगा, क्योंकि आपको रिकॉग्निशन बढ़ने के लिए आपको टीम बनना चाहिए, रिकॉग्निशन बढ़ेगा। दूसरा बिल्ड रिलेशन, तो आपको प्रमोशन करने से एक दूसरे को रिलेशन बनेगा, और प्रोडक्ट यूज करने का आपको एक दूसरे को रिलेशन बनने के लिए मौका मिलेगा, और इंक्रीज सक्सेस, आपको सक्सेस भी बढ़ेगा, क्योंकि तो जब तक आपको सेल्स में पहले से पहले ही बहुत हाई सेल्स, जितना बड़ा सेल्स होगा आपको इतना सक्सेस बढ़ेगी। आप देख सकते हो बहुत आदमी आपके साथ भी रहेगा, आप सुन रहा भी होगा, तो इसमें आप जो भी प्रमोशन नहीं कर पाएंगे उसको ट्रेडिशनल मार्केट में सेल्स नहीं होगा, उसको पैसे नहीं आएंगे। अगर नेटवर्किंग मार्केटिंग में, हम नेटवर्किंग मार्केटिंग में से चेक बनने के लिए आपको ज्यादा प्रमोशन होगा, कभी सेमिनार करना पड़ेगा, कभी प्रमोशन, कभी ट्रेनिंग, ये करने की वजह से आपको सक्सेस भी इंक्रीज होगा। बिल्ड टीम, टीम वर्क बिल्ड होगा, अलग अलग मीटिंग से अलग इससे आपको टीम वर्क बिल्ड होगा, क्योंकि जब तक टीम बनेगी नहीं तब तक का आपको बड़ा काम नहीं होगा। तो बेनिफिट मिलेगा आपको प्रमोशन करने से, आपको टीम भी मिलेगी, और इंक्रीज बिजनेस वॉल्यूम्स, सारा होने के लिए बिजनेस वॉल्यूम्स इंक्रीज होगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बढ़िया प्रमोशन किया, उस प्रोडक्ट की वजह से आपको बढ़िया वॉल्यूम्स भी इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर बढ़िया वॉल्यूम्स इंक्रीज होगा तो आपको चेक भी बढ़ेगी, एक दूसरे से रिलेटेड है सारा चीज। तो ये प्रमोशन का बेनिफिट है। जब आपको सिस्टम, कंपनी, ग्रेट मेंटर्स अपना सक्सेस को जितना ज्यादा प्रमोशन करेंगे उतना बेनिफिट आप पर्सनली टीम की तरफ से भी, आप पर्सनली प्रमोशन करने की वजह से आपको बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा चीज है आपको बेनिफिट ऑफ एडुकेशन। तो प्रमोशन बहुत आदमी करता है, और साथ साथ में आपको एडुकेशन भी करना आना चाहिए। एक एक ट्रायंगल है, क्रेडिबिलिटी ट्रायंगल, आप यू की पोजिशन में, आपका अपलाइन है, अपलाइन को जितना ज्यादा अच्छा एडुकेशन करेंगे अपलाइन आपको भी एडुकेशन करेंगे। एक दूसरा के लेवल का प्रोस्पेक्ट का आपका बीच में, जब अपलाइन और डाउनलाइन एक दूसरा का बीच में एडुकेशन रहेंगे तो अपने आप प्रोस्पेक्ट को आपको पर ट्रस्ट बढ़ेगा, क्योंकि एडुकेशन ऐसा चीज है, जैसा अभी महागुरु जी ने बताया था, तो मुझे एडुफे किया, तो एडुफे करने की वजह से मेरे अंदर एक अच्छा मतलब ताकत आया, उसकी वजह से मेरा अपलाइन को पर ट्रस्ट बढ़ेंगे, अपलाइन को मैं एडुफे करूंगा उससे मेरा डाउनलाइन को उसके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, उसको जो भी बोलेंगे वो उसका बातचीत को इंटरेस्ट लेंगे। जो जैसे कि एक अपलाइन डाउनलाइन जाता है एक जगह पर, जाने के बाद अगर एक दूसरे को एडिफाई करेंगे इस वजह से प्रोस्पेक्ट को बहुत ट्रस्ट बढ़ता है, विश्वसनीयता बढ़ेंगे एक दूसरे को पर, तो उससे बहुत है क्रेडिटेबिलिटी, विश्वसनीयता बढ़ेगा। जब विश्वास होगा तो उसके अंदर वो काम करने के लिए
बहुत इच्छुक रहेगा, तैयार रहे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो आपके एक ट्रायंगल से समझाया, तो आपको इस चीज को मैं एक ही सिंपल चीज से बता रहा हूं, जब अपलाइंस और डाउनलाइंस कंपनी सिस्टम का बारे में एडिफिकेशन करना आना चाहिए, इससे आपका बहुत कुछ फायदा मिलेगा। टाइप ऑफ एडुकेशन, आप जैसे पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट योर सक्सेसफुल अपलाइन, आपका अपलाइन के बारे में हमेशा थिंकिंग पॉजिटिव रहना पड़ेगा। कुछ आदमी कब दिमाग खराब हो जाए पता नहीं, लेकिन इस बिजनेस 5 साल करना है, 5 साल लगातार आपको बेस बनाने के लिए काम मिलेगा, तो ये 5 साल आपको कभी भी अपलाइन के बारे में कभी नेगेटिव सोच नहीं आना, उसको हमेशा जो आप पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट सक्सेसफुल अपलाइन, तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहेगा तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही उसको एडिफिकेशन करते रहे। लोग आपसे साथ मिलकर करना है, आप अपलाइन आपके साथ रहना है, तो आप हमेशा अपलाइन क्या नजर में आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहना पड़ेगा। वो आपका सामने रहने दो, आपका सामने नहीं रहने दो, जब तक आपको नहीं रहेंगे आपको एडिफिकेशन करना नहीं आता, वो नहीं हो पाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट डाउनलाइन, डाउनलाइन कितना भी कैसे भी रहने दो, लेकिन आपको उस प्रति आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। वो नेगेटिव सोच सकते हैं लेकिन आप नेगेटिव नहीं सोच सकते, उसके बारे में हमेशा अच्छा एडिफिकेशन करना। वो कोई भी छोटा मोटा गलती भी कर रहा है लेकिन आपका तो एडिफिकेशन है, उसका बारे में अच्छा होना चाहिए। दूसरा पॉजिटिव थिंकिंग अदर्स, कभी भी लोगों का बारे में भी आपको पॉजिटिव थिंकिंग रहना पड़ेगा। लोग कैसे भी रहे, आपको कभी बाहर जाते हैं, हम प्लान बताते हैं, कुछ भी होता है, वो जाके बोलते हैं इस एरिया ऐसे, सर इस जगह ऐसे है, ये आदमी ऐसे है, वो कुछ भी बोले दो, लेकिन आपका आपका सोच है उसके प्रति तो बिल्कुल पॉजिटिव रहना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा, अच्छा थिंक करना पड़ेगा। आपका अपलाइन के बारे में, डाउनलाइन के बारे में कभी नेगेटिव सोच नहीं है, वो कैसे भी रहने दो आपको, आपसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका सोच बिल्कुल उसका प्रति अच्छा रहना पड़ेगा। क्योंकि ये तीनों चीजें अपलाइन के बारे में, सक्सेसफुल अपलाइन के बारे में, और आपका डाउनलाइन के बारे में, और अदर्स आपका जो भी मिलता है जुलता है आपको जो भी रहता है वो सारा के बारे में आपको पॉजिटिव हमेशा रहना पड़ेगा, आपको अच्छा सोच रखना पड़ेगा इसके बारे में। जो अच्छा सोच रहेगा उसके बारे में अच्छा ही सोचेंगे आप, अच्छा ही बात करेंगे, अच्छा ही दूसरों को एडिफिकेशन करेंगे, और मोर एडिफिकेशन बिग रिजल्ट। मैं देखा आज मैं कभी भी हमारा ग्रेट मेंटर्स को मिलता हूँ, और ग्रेट मेंटर्स यहाँ पर ग्रेट विशाखापट्टनम आते हैं, तो इतना एडिफिकेशन करता हूँ, वो एडिफिकेशन की वजह से आज बिजनेस मल्टीपल हुआ, रिजल्ट प्रोड्यूस किया। जब तक अपलाइन आता है उस टाइम पर नॉर्मल आता नहीं, उस टाइम पर नॉर्मल चलता है, जैसा हमारा ग्रेट मेंटर आया उसको इतना एडिफिकेशन करते हैं, लोगों के अंदर जागरूकता आ जाते हैं, वो काम करना तैयार हो जाते हैं। अगर नॉर्मली रिसीव करेंगे, नॉर्मली अगर बुलाएंगे, उसको कोई ख्याल नहीं करेंगे और कोई एडुकेशन नहीं है, उससे आपको रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। बहुत आदमी तो वो एडुकेशन नहीं कर पाते। अपलाइन के अंदर इतना तजुर्बा है, इतना एक्सपीरियंस है, इतना अचीवमेंट्स है, उसको हम प्रमोशन मतलब एडुकेशन नहीं कर पाते। अगर जिसने एडुकेशन कर दिया तो उसका रिजल्ट तो मल्टीप्लिकेशन होना है। तो बेनिफिट ऑफ एडुकेशन, एडुकेशन करने आपको क्या फायदे मिलेगी, ये तो पर सारा चीज है, लेकिन ये चार चीज करने की वजह से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट ऑफ एडुकेशन, आपको सबसे गुड रिलेशन बनेगी, अपलाइन का और डाउनलाइन का बीच में बढ़िया रिलेशन बनेगा, रिलेशन बिल्ड होने से आपको काम करने की मजा आएगी। अगर किसी को बोल दिया, आप गलत बोल दिया उसके बाद फिर उसको, तो दोनों को कभी रिलेशन बढ़ेंगे नहीं। और गलत सोचा है, बोलता है ना आपका नहीं है तो आपसे 100 कदम आगे चलता है, अगर मन के अंदर भी नहीं रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन बनने के लिए आपका पॉजिटिव सोच रहेगा तभी रिलेशन बन सकता है। अच्छा एडुकेशन करेगा अपलाइन डाउनलाइन को, डाउनलाइन अपलाइन को एडुकेशन करेगा, गुड रिलेशन बनेगा। ये हमारा ग्रेट मेंटर्स का बीच में देखा है, मैं शुरुआत से देख रहा हूं, कभी मीटिंग में जाता है, कभी ट्रेनिंग में जाता है, तो ऊपर से हमारा ग्रेट टॉप लीडरशिप से लेकर तो मुझे तक मैं देखा है, हर चीज को इतना बढ़िया एडुकेशन करता है, उसका बेनिफिट पूरा आज वर्ल्ड वाइज तो लीडरशिप है। हमारा लेना स्पॉन्सर हमारा ग्रेट मेंटर्स का
पास गुड रिलेशन है इसी वजह से। तो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, जब एक दूसरे के ऊपर पॉजिटिव एडिफिकेशन देते रहेंगे और एडिफिकेशन की वजह से अच्छा एटमॉस्फेयर बनेंगे, वहां पर जो भी लोग आएंगे वो आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ काम करेंगे, आपके साथ करने के लिए तैयार रहेंगे, अच्छा एटमॉस्फेयर बनेंगे, क्योंकि उस एटमॉस्फेयर से ही लोग हमारा साथ आते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, तो काम लंबा टाइम कर करने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा वर्क्स टू अदर, क्योंकि जब आपको इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा, तो आपको बेनिफिट मिलेगा आपका साथ लोग भर भर के आएंगे, आपका साथ मिलके काम करने के लिए तैयार रहेगा। तो और नेक्स्ट मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनेगा, किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको एडिफिकेशन करना चाहते हैं। कहीं भी आप कोई भी जगह पर भेज दो, आपको बढ़िया एडिफिकेशन करना, अगर जान लिया इस नेटवर्क में आपको अपलाइन को, डाउनलाइन को, सिस्टम को, कंपनी को एडिफिकेशन करना जान लिया, आप मैग्नेटिक पर्सन बन जाएंगे, पर्सनैलिटी बन जाएंगे। कहीं भी लोगों को आपसे बातचीत करते हैं, आपसे और बातचीत करने के लिए मौका, तो कोई भी आपको मीटिंग बोर नहीं लगे, आप कभी स्टेज में चढ़ेंगे तो आपको लगेगा इसका बात सुनना ही पड़ेगा। हमारा ग्रेट मेंटर्स को देखता हूं, वो कभी स्टेज जाता है कितना भी टाइम होने दो, एक घंटा, दो घंटा, चार, छह बज रहा है, रात को दस बज रहे, बारह बज रहे, कभी कभी कुछ मीटिंग्स में जाता है बारह बजे, फिर भी इतना इंटरेस्ट रहता है, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाता है। देखो किसी का अंदर भाव अच्छा नहीं रहेगा, वो कभी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन नहीं सकते, वो सिर्फ बाहर से बोलते हैं, लेकिन हमारा तो कोई भी मोटिवेटर भी कोई भी चीज को ज्यादा निरीक्षण रुक नहीं पाता, लेकिन हमारा मेंटर्स है इनर पर्सनैलिटी आउटर पर्सनैलिटी दोनों बहुत कुछ डेवलप किया, आज मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन गया, उसका बातचीत सुनने के लिए इतना तैयार रहता है, इच्छुक रहता है, सब कुछ रहता है। तो ऐसा मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनने के लिए आपका पास मौका है, बेनिफिट ऑफ एडिफिकेशन, ये सारा आपको बहुत कुछ बड़ा फायदा मिलेगा। इस दूसरे एक दूसरे से रिलेटेड है, आपको प्रमोशन करने भी आना चाहिए, आपका बात सिस्टम का इसका पूरा कंप्लीट इसके बारे में एडिफिकेशन करना भी आना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के तालमेल है, अगर ये दोनों आप करेंगे, क्योंकि सेल्स बढ़ने के लिए आपका अपलाइन चाहिए, सिस्टम को एडिफिकेशन करना चाहिए, तब आपको प्रमोशन करेंगे, आप खुद के भी रिजल्ट है, मैं टाइप है ना, मैं खुद प्रमोशन करने से फायदा नहीं रहेगा, लेकिन हमारा ग्रेट मेंटर्स अगर इसको प्रमोशन करेंगे ये मल्टीपल हो जाएगा, मैं अचीवमेंट लिया वो अचीवमेंट को प्रमोशन करेंगे, तो ये चीज होता है आपको बेनिफिट। तो इसलिए हम सभी इस बिजनेस में सेल्स में है, हम नेटवर्क बनाने में है, क्योंकि सिर्फ ही सेल्स ही होने से प्रमोशन करने से काफी है, सेल्स का साथ साथ आपको टीम भी बनाना पड़ेगा, सेल्स का साथ टीम भी बनाना पड़ेगा, टीम बनाने के लिए आपको एडिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि एडिफिकेशन में ही अपलाइन और डाउनलाइन सिस्टम का बारे में बोल सकते हैं। तो इसलिए हमको टीम भी बनाने और सेल्स भी करने, क्योंकि हम ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं है, सिर्फ ओनली सेल्स ही करते रहेंगे, टीम से कोई मतलब नहीं उसका, लेकिन यहां पर आपको खुद टाइम देके टीम बनाना पड़ेगा, टीम को वो सेल्स करेंगे, टीम बनाने के लिए आप एडिफिकेशन बनाएंगे। तो इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं हमारा ग्रेट मेंटर से आप लाइन ऑफ स्पॉन्सर देख सकते हैं, ये सबको अगर कोई बंदा ना हमेशा नीचे देखते हैं, एक बार ऊपर ऐसा गर्दन उठा के देखने से पता चल जाएगा इस हमारा ग्रेट मेंटर्स का बास क्या क्या सक्सेस नहीं है, इसको लोग सही एडुकेशन करना आ गया। मैं बोल रहा हूं इस बिजनेस में चार चांद लग जाएगा, करोड़पति बन सकता है। हम हमेशा हमारा डाउनलाइन में अगर कोई भी क्रॉसलाइन में अगर कुछ भी हो उसको देखते हैं, हमारा ग्रेट मेंटर्स का लाइन ऑफ स्पॉन्सर सक्सेस देखो, एक दूसरे को एडिफिकेशन करने देखो, एक दूसरे को प्रमोशन करने देखो, कंपनी का प्रमोशन कैसे करते, सिस्टम का प्रमोशन कैसे करते, हर चीज को प्रमोशन कैसे करते। मैं बोल रहा हूं कहीं किताब पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है पता नहीं, लेकिन हमारा ग्रेट मेंटर्स के एक एक चीज का अगर ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, मैं तो मैं बोल रहा हूं आज सच्चे दिल से इस मंच से बोल रहा हूं, तो ग्रेट मेंटर विकास माकुर जी का एक सेमिनार होता है, उस सेमिनार का प्रमोशन
जिस दिन अनाउंस होता है उस दिन से लेकर फिनिश होने के बाद उसको रिजल्ट प्रोड्यूस करने का जो सिलसिला रहता है, उस सिलसिला को मैं ऑब्जर्व करता हूं, उससे बहुत कुछ चीज सीखने के लिए मौका मिलता है। उसी चीज से मैं बहुत कुछ चीज सीखा है और वो मेरा बारे में एडिफिकेशन करता है और सिस्टम का बारे में एडिफिकेशन करता है, हमारा ग्रेट मेंटर्स का बारे में एडिफिकेशन करता है। एक एक चीज को मैं देखता हूं, उसी से मैं पकड़ पकड़ के सीख लिया। तो आप भी अगर हमारा ग्रेट मेंटर्स का कभी स्टेज में देखना, कोई लेवल अप मीटिंग, कोई LDP, कोई बड़ा, ऐसा बीच में सुई नहीं है, कोई हवा भी नहीं घुस सकता है। इस प्रकार से एडिफिकेशन रहता है, इस प्रकार की प्रमोशन रहता है, वो सीक्रेट पता चला है। तो हमारा ग्रेट मेंटर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, क्योंकि आप लोग इतना बढ़िया तो लाइन ऑफ स्पॉन्सर दिया है, आपको कोटि कोटि नमन। इस चीज करने की वजह से अगला ये 7-8 साल चल रहा है, 8 साल से इसी चीज को सीख के करने की वजह से मेरा अंदर भी बहुत कुछ बदलाव है, वो बदलाव है आप देख सकते हैं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, बदलाव बताता हूं, बताने में मिले तो हमारा चैनल से आप देख सकते हैं, कंपनी का चैनल है, तो आज लगातार वीडियो बना रहे, ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग है तो लगातार कर रहे हैं। तो स्टार्ट किया 26 नवंबर 2021 को, आप देख सकते हैं पूरा चीज हम यहाँ पर है, हर प्रोडक्ट के बारे में आज सब्सक्राइब करो इसको पक्का। तो हर प्रोडक्ट का एक एक प्रोडक्ट के बारे में आप सूट लेंथ, मैं सोचा था सबसे पहले सूट लेंथ के बारे में क्या बताएंगे, सूट लेंथ के बारे में इतना बढ़िया ट्रेनिंग दिया, बादाम के बारे में क्या बताएंगे, बादाम के बारे में भी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग भी ऐसा एक एक आके दूसरे ट्रेनिंग दे रहा है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको हर FIM में इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आप करवाना पड़ेगा, करने से फायदा है भी है। आप नहीं समझा सकते इतना सारा चीज, इस चैनल समझाएंगे सब। और दूसरा आपको हमारा ग्रेट, अभी जिस चैनल से मैं बोल रहा हूं, नहीं तो इतना लाखों का आदमी के पास पहुंचाने के लिए, इसको स्टोर करने के लिए, हर बार देने के लिए नामुमकिन है। मैं बोल रहा हूं महागुरु जी का सोच है, लेकिन बोलते ना हमारा सोच जहां खत्म होता है अपलाइन का सोच उधर से शुरू होता है। तो आज सोच की वजह से बिल्कुल सही बोल रहा हूं, ये चैनल में एक टेस्ट मनी नहीं, दो टेस्ट मनी नहीं, तीन नहीं है, हजारों टेस्ट मनी है। तो आप देख सकते हैं हर चीज को। आजकल मैं पहले मेंटेनेंस करता, आजकल इस यूट्यूब में मारने से आर्मी वाला चाहिए, नेवी वाला चाहिए, कोई टीचर चाहिए, उसमें टेस्ट मनी मारता हूं। एक चैनल का भी कोई लटोरा उधर चैनल का करते, एक चैनल का भी हमारे लिए डायमंड बनाने के लिए पूरा सारा मटेरियल इसमें। तो इसको भी आप सब्सक्राइब करिए, इसको प्रमोशन करिए, क्योंकि इसमें आपको इतना ज्यादा अच्छा समझा नहीं सकते, क्लास में को समझा नहीं सकते, वो सारा इसी में समझाएंगे। इसको भी एडिफिकेशन करना है। आप FIM, मैं तो FIM में लगाया, FIM में तो पूरा प्रमोशन ही करता हूं, जो चाहिए वो हर लैंग्वेज वाला देख सकते हैं, टेस्ट मनी होगा। तो ये सारा आपको प्रमोशन करना पड़ेगा। आप तो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन टू बिकम ए ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल टू सक्सेसफुल लाइफस्टाइल। मैं जितना भी यहां से शुरू करके यहां से बताया, हमारा ग्रेट मेंटर्स, हमारा ग्रेट अपलाइन की वजह से आज इतना बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, ये सारा प्रमोशन करने की वजह से, कुछ पता नहीं था आर्मी वाला है, कुछ पता नहीं हमको, लेकिन इसमें आने के बाद सारा चीज अपलाइन सिस्टम की वजह से, सीखने की वजह से, डाउनलाइन क्वालिफिकेशन करने से, अपलाइन क्वालिफिकेशन करने की वजह से ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। अब जो लाइफ स्टाइल है, ऐसे रहता था, जो आर्मी का फोटो है ये, इसे बच्चों को डाल के, इसे बच्चों को लगा के और इस दोनों बैग लगा के ऐसे जाता था। तो आज देख सकते हैं सारा एप्पल फैमिली यूज कर रहा हूँ, छोटे छोटे अचीवमेंट लेने के लिए मौका मिला है ग्रेट सिस्टम कंपनी की वजह से। इसी बिजनेस से जाक्वार कार लिया ग्रेट मेंटर का आशीर्वाद से। तो आज देखो प्रमोशन, इसको भी प्रमोशन किया, हमारा मेंटर बोला ऐसे ओपन नहीं करना, इसको ओपन भी ऐसा करना है, इसको धुआंधार दिखा के और ऐसा 100 गाड़ी आना चाहिए, इसको भी प्रमोशन किया। तो मेंटर का सोच देखो कहां से कहां, हम सोचते ऐसे ड्रिबन करके निकाल देंगे, इसको भी बढ़िया तरीके से प्रमोशन किया। और इस बिजनेस से लगभग 3 करोड़ रुपए का घर लेने के लिए मौका मिला स्काई पार्क करके। तो 26वां मंजिल में पार्क है इसमें,
तो इसी बढ़िया तरीके से घर लेने के लिए मौका मिला। देखो कहां से कहां तक लेके आया, ग्रेट सिस्टम, ग्रेट कंपनी। तो इसी बिजनेस एशिया बिजनेस एक्सलेंस अवार्ड एंटरप्रेन्योर बिजनेस टाइकून अवार्ड 2020 में लेने के लिए मौका मिला इसी बिजनेस की वजह से। तो इसी बिजनेस के बाद सिक्स एकर्स, तो रेड सैंडल चंदन का खेती लगाया पूरा कंप्लीट, इसका बहुत वैल्यू आगे जाने के, ये भी फ्यूचर का विजन है। इसी बिजनेस से फॉरेन ट्रिप गया, बहुत कुछ बड़ा बड़ा ट्रिप्स गया था हमारा ग्रेट मेंटर्स के साथ मिलके, तो अभी भी ट्रिप चल रहा है। क्योंकि देखो प्रमोशन, इसमें कॉन्टेस्ट के बारे में बताया था, कॉन्टेस्ट के बारे में प्रमोशन करने से, देखो प्रमोशन फॉरेन ट्रिप जा सकते हैं आपको, अलग अलग ट्रिप स्विट्जरलैंड, यूरोप, कंपनी क्या क्या दुबई, ये सारे ट्रिप दे रहे। तो और इतना ट्रिप गया मैं, हांगकांग गया, स्विट्जरलैंड गया, और यूरोप गया, और स्पेन गया, बार्सिलोना गया, और भी पेंडिंग है, अभी भी दोबारा जा रहा है फैमिली के साथ, ये सारा ट्रिप जाने के लिए मौका मिला। तो आप देख सकते हैं पावर ऑफ सेफ शॉप, सेफ शॉप का पावर देख सकते हैं आप, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं, कहां था कहां लेके आए। ये कहीं भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पढ़ाया लिखा किया और छोटा मोटा ट्रेडिशनल बिजनेस भी किया, नौकरी भी किया, वहां पर नहीं हो पाया, लेकिन ग्रेट सेफ शॉप के अंदर तो कहां से कहां तक ट्रांसफॉर्मेशन किया, वो भी 50 साल नहीं लगा, 20 साल नहीं लगा, 40 साल नहीं लगा, 3 पीढ़ी निकल जाते एक ट्रांसफॉर्मेशन होने में, लेकिन यहां से यहां तक लेके आया। इसको भी मैं बढ़िया तरीके से प्रमोशन करता हूं, इसमें भी प्रमोशन है, इसको भी एडिफिकेशन करता हूं। तो यही चीज है गुरुजी ने सिखाया, सिस्टम ने सिखाया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आज जितना भी इस वीडियो आई इस पैनल पे सुन रहा है, मैं एक ही चीज बोल सकता हूं, अगर आप सही एक मेंटरशिप में पकड़ के अगर काम करेंगे तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें प्रमोशन करना आना चाहिए। प्रमोशन का ही केले हमारा ग्रेट मेंटर विकास बोलते हैं, जिसको प्रमोशन करना आ गया ना तो उसको तो बल्ले बल्ले, सही है ये तो 100% मैं मानता हूं, मैं भी कहीं भी किया भी है। तो इसी बिजनेस से मैं बोल रहा हूं 2025 होते होते हमारा टीम में 100 डायमंड्स रहेगा, वो भी 4 BHK का हाउस, लग्जरी कार, कैपिंग और लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ। ये मैं कमिटमेंट लेके आज भी इसके बारे में प्रमोशन करता हूं, उसके कमिटमेंट की कर रहा हूं। तो इतना बढ़िया मौका मिला, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जितना भी सुने आज।